तो गाइज सबसे पहले जाइए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फटाफट बात कर लेते हैं हमें यूपी बोर्ड 2019 जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसमें NCERT का जो सिलेबस लागू करने की बात कही जा रही है यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए वो कब होगा। NCERT मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि अपनी बुक्स चलाता है 10th और 1 से लेके 12th तक इसकी बुक्स चलती है, और जो बुक्स की क्वालिटी होती है, जो कंटेंट होता है उसमें, जो कि हमें पढ़ाया जाता है NCERT के सिलेबस से, वो बहुत ही अच्छा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये NCERT की बुक्स जो इंग्लिश में चलती हैं, ये दूसरी रीजनल भाषाओं में भी चलती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी चलती हैं, ये हिंदी में भी मिलेगी आपको, तमिल में भी मिलेगी, उर्दू में भी मिलेगी, और जैसा इंग्लिश की बुक्स तो सभी जगह चलती हैं। तो गाइस उत्तर प्रदेश में अगले साल से एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी की जा रही है जिसमें 70% NCERT का कंटेंट होगा और 30% जो यूपी बोर्ड का पुराना कंटेंट है उसको मिलाकर, ऐसा शासन प्रशासन द्वारा सुना जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो सिलेबस होगा वो 70% NCERT का कंटेंट होगा, यानी कि 70% पाठ्यक्रम जो NCERT से लिया जाएगा और 30% पाठ्यक्रम जो पुरानी पुस्तकें हमारी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की उसमें से लिया जाएगा, और इन दोनों को फ्यूज करके, इन दोनों को मिला के एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जो कि 2019 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सही है? अगर ये NCERT की बुक्स जो लागू करना चाहते हैं, ये 70% का, क्या ये पूरी के पूरी सिलेबस इनको NCERT का लागू करना चाहिए? इससे क्या होगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। वो सोच भी नहीं सकते उनके लिए क्या फ़ायदा होगा जब वो 11वीं और 12वीं में इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, NCERT का सिलेबस पढ़ते हैं, वो हिंदी में पढ़ें या किसी भी भाषा में पढ़ें, वो जब पढ़ेंगे उस सिलेबस को तो 2 साल का एक्सपीरियंस उनका पहले से उन अपने सब्जेक्ट्स में होगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए NCERT का सिलेबस लागू किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आर्ट्स साइड के जितने भी सब्जेक्ट हैं और साइंस स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, NCERT का सिलेबस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की फील्ड की अगर बात करें तो जब ये NCERT का सिलेबस 11वीं और 12वीं में पढ़ेंगे तो इनके चांसेस बढ़ जाएंगे नीट क्वालिफाई करने के लिए, या IITs क्वालिफाई करने के लिए, या NIT के जितने भी एग्ज़ाम हैं, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो पूछा जाते हैं क्वेश्चंस आते हैं MCQ को, वो सारे के सारे ज़्यादातर केसेस में लगभग सभी NCERT के सिलेबस से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो NCERT की बुक्स से ही बनाए जाते हैं, वो NCERT के पाठ्यक्रम से ही व्युत्पन्न क्वेश्चंस होते हैं, वो NCERT के बुक्स से जो सिलेबस होता है उसी से थोड़े ड्राइव्ड क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस जो बेसिक बाउंड्रीज हैं सिलेबस की वो NCERT की बुक्स ही होती है। तो गाइस 2019 में 70% कोर्स को भी अगर लागू करते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। और अगले सेशन यानी कि 2019 में जो परीक्षाएँ होगी उसमें ऐसा सिलेबस लागू किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए देखेंगे अब आगे क्या लेटेस्ट अपडेट आती है। अगर ये लागू होता है ऐसा तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या कॉमर्स के कोई भी हो, या आर्ट स्ट्रीम के भी हो, IAS की प्रिपरेशन के लिए भी NCERT की बुक्स लगती हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस संदर्भ में, इस टॉपिक पर जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि जो भी अपडेट आए आप तक की वो सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि जब मैं वीडियो अपडेट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।